एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ ऑरेंज ड्रेस मेकअप, जो कि आप किसी अपनी फ्रेंड की शादी, संगीत या फिर हल्दी में भी ट्राई कर सकते हैं इस मेकअप को। मेकअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने आई मेकअप स्टार्ट किया है। आई मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले यूज़ किया है कंसीलर, जो कि मैं अपने डार्क सर्कल्स को हाइड आउट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। अब हम कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे डैब डैब करके। अब हम पाउडर की हेल्प से कंसीलर को हम सेट कर लेंगे। जो मैंने सबसे पहले यूज किया आई शेडो, वो मैंने यूज किया है स्किन कलर का, क्योंकि हम सबसे पहले हम स्किन कलर यूज करते हैं अपने आईज पर, उसके बाद हम दूसरा कलर अप्लाई करेंगे। साइड में मैंने पिक अपलोड करी है, पैलेट मैंने कौन सी यूज़ करी है और उसका नंबर है 01 सिवाना कलर्स। इसके बाद मैंने यूज़ किया है ऑरेंज शेड, जो कि हम बिल्कुल हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे अपने आईज की क्रीज लाइन पे। एक चीज़ और ध्यान में रखना फ्रेंड्स, अगर आप आई शेड लगा रहे हैं तो ब्रश में हल्का हल्का लेके लगाएं, ये नहीं कि आप एक ही बार में बहुत सारा आई शेड आपने ब्रश में लगा लिया उसके बाद डायरेक्ट अपनी आईज पे लगाने लग गए, तो उससे क्या होगा, आपका मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क डार्क पैची पैची सा लगेगा। इसलिए आप आई शेड लगाने से पहले एक बार अपने ब्रश पे फूंक भी ज़रूर मार लें, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा उस पर वो निकल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश लेके अच्छे से अपने आई शेडो को ब्लेंड कर लिया है और अब मैं इसके बाद यूज़ कर रही हूँ कंसीलर वापस से, और उसको मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने आईलिड्स पर। और बस अब हम ध्यान देंगे अपनी ब्लेंडिंग पे, जिससे कि हमारी जो आई शेडो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए हमारी आईज पे और बिल्कुल स्मूथ सा मेकअप लगे, कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। कोई भी आई शेडो लगाएं आप, उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आप उसे ब्लेंड ज़रूर करें, जिससे कि सारे दोनों जो भी हम कलर्स यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए, कोई भी हार्श लाइन ना छोड़े। अब हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर, जो कि मैंने अपने आईज़ के ऊपर, मतलब कि आईब्रोज और आईज़ के जो ऊपर वाला सेक्शन होता है जहाँ पे हमारी आईब्रोज जो होती है वो लिफ्ट करती है, उस एरिया पे लगाएंगे। अब थोड़ा सा ही लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और अपने आई कॉर्नर्स सिवाना कलर्स की पैलेट मैंने जो हाइलाइटर और कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करी है उसकी मैंने पिक। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर को आप अच्छी शेप में एक जैसी दोनों साइड लगाने के लिए आप एक ट्रिक आजमा सकते हैं, जो कि मैंने भी आजमाई है। आप लगाएं अपने आईज के साइड में कॉर्नर्स में टेप लगा लें, जिससे कि आपकी जो आईलाइनर की जो विंग है वो एक जैसी बनेगी। कई बार होता है कि एक अलग बनती है एक अलग बनती है, तो आप इसके लिए ये फार्मूला आजमा सकते हैं, मैंने भी यही आजमाया था। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज फिल कर लूँगी। आप आईब्रो फिल करने के लिए आपके पास पेंसिल हो या आपके पास पाउडर हो, तो आप, मैं पाउडर से भर रही हूँ तो मेरे पास आईब्रो ब्रश है फिल करने के लिए, और अगर आप आईब्रो पेंसिल भर रहे हैं तो उसको भी बहुत ध्यान से धीरे धीरे सॉफ्ट हैंड से और बिल्कुल लाइट लाइट करके भरें, ये नहीं आप एक ही बार में बहुत तेज़ तेज़ भर लें और वो आपके आईब्रोज बिल्कुल फेक लगेंगी बिल्कुल। आईब्रोज को अच्छे से डिफाइन करने के लिए आप आईब्रोज के जो साइड एरिया होते हैं वहाँ पे कंसीलर लगाएं, और उसके बाद मैं कंसीलर को अपनी नोज़ पे भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो हमारे हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद मैंने अंडर आईज़ पे भी लगाया है, और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी डैब डैब करके। कंसीलर को अच्छे से सेट करने के बाद ना भूले पाउडर से सेट करना, क्योंकि आपका कंसीलर होता है क्रीमी, तो पाउडर से सेट करना है ज़रूरी। सो या अभी लिपस्टिक लगाने में था टाइम, तो मैंने यूज़ किया लिप बाम, जिससे कि मेरे लिप्स हाइड्रेटेड रहें, और उसके बाद मैंने अपने नेक एरिया पे फाउंडेशन लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कॉन्टोरिंग के लिए। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यूज़ किया सिवाना कलर्स की पैलेट, और उसी में हाईलाइटर भी होता है कॉन्टोरिंग भी होती है, तो उसके बाद मैं अपने चीक एरिया और अपने जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं कॉन्टोरिंग वाले वो मैं अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी। पाउडर कॉन्टोर किया है मैंने, और अच्छे से अपने नोज़ एरिया को भी कॉन्टोर कर लूँगी। इससे हमारे जो जो कॉन्टोर हम इसलिए करते हैं, जिससे कि हमारे जो हाइलाइटेड एरियाज होते हैं वो हमारे शार्प लगे, हमारे जो फेस की जो
मतलब हम मोटे ना लगे, जिससे कि हमारे शार्प लगेंगे अगर हमारे फेस के फीचर्स, तो हम ऑटोमेटिकली स्लिम लगेंगे। उसके बाद मैंने पाउडर से सेट कर लिया है अपने मेकअप को, अच्छे से पाउडर लगा के सेट करने, जिससे कि आपको कोई स्वेट आए तो आपका पसीना आपके मेकअप को ख़राब ना करे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से पाउडर को अपने नेक एरिया पे भी लगा लिया है, जिससे कि मेरा मेकअप ख़राब ना हो। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है ब्लश। ब्लश के लिए भी मैंने सिवाना कलर्स की पैलेट ही यूज़ करी है गाइस, क्योंकि सिवाना कलर्स की जो पैलेट है उसमें ब्लश भी है, कॉन्टोर भी है, हाइलाइटर भी है, तो सब कुछ उसी में ही है। आप अगर न्यू हो, बिगनर हो और आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो एक पैलेट लो और सारे काम हो जाएंगे आपके। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया नेल्फ की लिपस्टिक, जो कि ऑरेंज शेड है और मुझे बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलें उसको कि बहुत ज़्यादा मतलब डार्क सी लग रही थी मतलब। उसके बाद मैंने फिर उसके ऊपर से एक रेड सी मेहरून सी अपनी लिपस्टिक थी वो मैंने लगा ली, जो कि बहुत ज़्यादा वो ना लगे डार्क। और उसके बाद मेरे हस्बैंड पीछे से आ रहे थे तो मैंने उनके ऊपर बम फोड़ दिया है। और अपनी लिपस्टिक लगा लेंगे आप आराम से, ध्यान से, और वो फिर से आ गए मेरा मेकअप ख़राब करने के लिए। उनके ऊपर ध्यान ना दें, आप मेरी लिपस्टिक के ऊपर ध्यान दें। और उसके बाद मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे लेकर अपना मेकअप सेट कर लिया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं। सो या फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फाइनल लुक। और अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।